तो गाइस दूल्हे की ना बारात घर से निकल चुकी है और आगे जाके ना हम ड्रोन शॉट लेंगे, क्योंकि ना यहाँ पर ना इतना अच्छा शॉट आ नहीं पाएगा, तो इसलिए सोच रहे हैं गांव से बाहर निकाल कर उसका अच्छे से शॉट लेंगे। अब देखते हैं ना यहाँ के जो ड्राइवर है वो कितना अच्छा शॉट हमें दे पाएंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले सभी को नमस्ते, आप सत श्री अकाल और छोटों को हेलो। और आपका भुवन भाई आज फिर से रेडी हो चुके हैं नई वेडिंग शूट करने के लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ सितारगंज, यानी कि सिसीखेड़ा के अंदर एक गांव पड़ता है खेराना नाम का, वहाँ पर मुझे वेडिंग शूट करना है। और गाइस शुभम यूट्यूबर की फैमिली की तरफ से आया है मेरी फैमिली को वेडिंग इन्विटेशन कार्ड, और मुझे ना उस वेडिंग में जाना है, क्योंकि उन्होंने ना बहुत ही प्यार से ना मुझे इन्विटेशन कार्ड मेरे घर तक पहुँचाया है। और उस जिस दिन शुभम भैया ना मेरे घर पर इन्विटेशन कार्ड देने आए थे, उस दिन ना मैं एक वेडिंग शूट कर रहा था और उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि कहाँ पर हूँ मैं, हम आपके घर पर आए हुए हैं। तो मैंने बोला मैं सॉरी भाई यार, मैं तो वेडिंग शूट में हूँ। और उन्होंने बताया कि मैं आपके घर पर हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मैं उनको अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि वो खुद मेरे को इन्विटेशन कार्ड देने आए थे, मेरी फैमिली को देने आए थे, बट मेरे घर पर तो मम्मी लोग ही मिली उनको। और वो थोड़ा सा शिकायत कर रहे थे कि आप लोग तो मिले नहीं यार, आपसे मिलने का मन भी था। तो मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, वेडिंग अटेंड करने आएंगे तो आप सभी से मिलेंगे। और शुभम भैया ने ना बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन कार्ड दिया है, अपनी यूट्यूब फैमिली को दिया है। तो गाइस कैमरा वगैरह सारा कुछ पैक करने के बाद अब निकलते हैं ना सीधा वेडिंग शूट करने, ठीक है, वहीं जाके मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ लड़के वाले के घर पर, और यहाँ मिल चुके हैं मेरे बंधन भैया जो अभी फ़ोन में बिजी हैं। और ये स्टेज है, स्टेज मतलब जो था वो सारा ख़त्म हो गया, हल्दी का स्टिकर रह गया सिर्फ, और यहाँ वगैरह जो भी था बैठने के लिए ना वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर होने वाली है ग्रुपिंग शूट वगैरह, और सुमंत भैया भी आ ही रहे हैं, उनसे भी मिलाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सुमंत भैया कैसे हो फिर, मस्त हो, तबीयत ठीक है, मस्त है भाई, कुछ बोलना है नहीं, सारे में सारा कुछ बता दिया इन्होंने, ठीक है, समझ जाना, गुड है, ठीक है। आगे का प्रोग्राम आप लोगों को दिखा दें ड्रोन उड़ा के। तेरी बाहों में से जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सुनते तुझी में, तू ही मेरा सर ले गया। ना फिकर ना शर्म एक बार रिजर्व रिजर्व में दीदार आया है बेहद गौर विश्वास।
के घर पर और लड़की वाले का गांव है ना लामा खेड़ा और सामने है लड़की वाले का घर। चलो चलते हैं सीधा अपना चार्ज वगैरह लगाते हैं क्योंकि ना ड्रोन की बैटरी ना लो हो चुकी है, उसको चार्ज में लगाऊंगा फिर सीधा उड़ाऊंगा और यहां की लोकेशन वगैरह फिर शूट वगैरह बहुत कुछ करना है तो चलते हैं सीधा आगे। अरे दादा ही को यार चारों डार दे यार, अरे चारों मत डारो यार और भाई अरे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है, अगर होठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हो सबको